नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। समाज सेवी आरआरडी उपाध्याय ने क्षेत्र के गांव मुकुंदपुर ओगटी में पीड़ित नाथ समाज परिवार के लोगों से मिले और नाथ समाज के लोगों पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार के साथ न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। समाज सेवी आरआरडी उपाध्याय ने कहा कि दबंगों द्वारा नाथ पीड़ित समाज के लोगों के घर में घुसकर जानलेवा हमला और एक सप्ताह की जच्चा गुड़िया द्वारा अपनी व अपने मासूम बच्चे की छिपकर जान बचाना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। समाज सेवी ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार व उनकी जान बचाने वाले जिनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, 16 लोगों के नाम FIR में दर्ज कराना और हमला करने वाले दबंग व्यक्तियों के परिवार के मात्र 7 लोगों के नाम FIR में दर्ज करना तथा पीड़ित पक्ष से 4 व्यक्तियों और हमला करने वाले पक्ष से 2 व्यक्ति को जेल भेजने की प्रक्रिया से पुलिस कार्रवाई पूर्णतः संदिग्ध लगती है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस अवसर पर समाजसेवी आरआरडी उपाध्याय प्रधानाचार्य सुनील कुमार आर्य, प्रवीण कुमार उपाध्याय एडवोकेट रवि कुमार, एडवोकेट प्रवीण कुमार, जगदीश प्रसाद, ओमपाल सिंह, राजेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। चौगामा की आवाज़ के लिए बालोनी से संवाददाता विनय कुमार आर्य की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कहीं ना कहीं को दबाने का प्रयास किया, उन पर हमला करने का प्रयास किया गया, तो एक दुखद विषय है। जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है, गरीब आदमी जीने का साहस भी नहीं कर पाता। परिणाम यहां तक आता है कि वो अपने घर बार छोड़ करके मकानों को बेच करके स्थान भी लगाए गए और वहां से बाहर जाना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने की आवश्यकता है, जो कानून को अपने तरीके से रखना चाहते हैं, यहाँ तक भी कह सकते हैं कि कानून को अपनी रखेल समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये घटना मात्र उपाध्याय समाज के लिए नहीं, इससे पूर्व भी कश्यप समाज के लिए और एक सजाड़ परिवार के भी इस प्रकार की घटना इसी परिवार ने को अंजाम दिया था, इसी परिवार ने। तो यहाँ हम संबंधित अधिकारियों से, मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करते हैं कि वो ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगा करके प्रदेश को भयमुक्त बनाने का प्रयास करें। इस अनुरोध के साथ में जय हिंद।